नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हम पहले समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है। ट्रांसपोर्टेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चीजें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती हैं। ट्रांसपोर्टेशन ही वो जरिया है जिसके जरिए चीजें मूव कर पाती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, जैसे जो गाड़ियां हम उनको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का हिस्सा मानते हैं क्योंकि वो इंसानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बने हुए हैं। हम उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्लांट को जरूरत क्या है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, क्योंकि हाँ बोलेंगे प्लांट ने तो कहीं जाना नहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसको क्या जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन। हम प्लांट को जड़ों से पानी पत्तों तक पहुंचाना होता है, पत्तों में बना हुआ जो फूड है वो बाकी पार्ट्स तक पहुंचाना होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने होते हैं हर एक हिस्से में, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो वेस्ट मटेरियल है वो उसने बॉडी से बाहर भी निकालना होता है, और गैसेस का एक्सचेंज करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के लिए इसलिए नेसेसरी है। और प्लांट्स में क्या होता है, पाइपलाइन वेसल्स बने होते हैं जिनके थ्रू पानी और मिनरल जो है प्लांट्स में एंटर करता है, और ये जो वेसल्स हैं ये इलांगेटेड सेल्स के बने होते हैं, थिक वॉल्स होती है इनकी। ये सेल्स काफी स्पेशलाइज्ड होते हैं और इसलिए इनको टिश्यू कहा जाता है, और ये कंडक्ट करते हैं इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है क्योंकि ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। और प्लांट में अगर बात की जाए तो दो तरह के कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, दो तरह के, एक जाइलम टिश्यूज दूसरे फ्लोएम टिश्यूज। अब हम बात करते हैं जाइलम टिश्यू की। जाइलम टिश्यू क्या ट्रांसपोर्ट करता है कैसे, तो जो जाइलम टिश्यू है ये भी एक वैस्कुलर टिश्यू है और ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स को और न्यूट्रिएंट्स को, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट होते हैं वाटर के अंदर, उनको प्लांट तक पहुंचाने में, प्लांट के बाकी हिस्सों तक जैसे लीव्स तक पहुंचाने में। और ये जाइलम जो है ये वाटर को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ये वापस नहीं आता। अगर ऊपर को जाए तो ऊपर को ही जाएगा, लेफ्ट में जाए तो लेफ्ट में ही जा रहा है, वापस नहीं आता। इसमें डायरेक्शन हमेशा वन डायरेक्शन में फ्लो होता है, इसलिए इसको बोला जाता है यूनि डायरेक्शनल फ्लो। और इस जाइलम टिश्यू है इसके फोर एलिमेंट्स होते हैं, नंबर वन ब्रैकेट्स, नंबर टू वेसल्स, नंबर थ्री जाइलम पेरेन्काइमा, नंबर फोर जाइलम फाइबर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं, ट्रैकीट्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये चार टाइप के एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के। और फ्लोएम, फ्लोएम भी एक वैस्कुलर टिश्यू है यानी जो कंडक्ट करता है, और ये पत्तों में बना हुआ जो फूड होता है उसको बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है, रूट्स तक, बाकी फ्रूट्स तक, जो भी पार्ट्स है सबको, क्योंकि फूड चाहिए, बाकी पार्ट्स तक पहुंचाता है। और इसका जो फ्लो है ना ये बाई डायरेक्शनल फ्लो होता है, इसमें बाई डायरेक्शन मतलब दो डायरेक्शन में जाता है। ये हम डायग्राम में डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है यहाँ जड़ों के साथ, ये है, ये जाइलम को शो किया गया है, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और ये जो आप पिंक कलर की लाइन देख रहे हैं ये है, ये दिखाया गया है कि इस पत्ते में जो फूड बना है वो अब पूरी प्लांट को विस्तर जाएगा, तो ये ऊपर को भी जा रहा है देख रहे हैं आप ये जो फूड है, और ये नीचे को भी आ रहा है रूट्स की तरफ भी, तो इसका मतलब है कि ये बाई डायरेक्शनल होता है। और ये जो फ्लोएम के एलिमेंट्स हैं इसके भी चार एलिमेंट्स हैं, और इनका नाम है नंबर एक सीव ट्यूब, नंबर दो फ्लोएम पेरेन्काइमा, नंबर तीन फाइबर्स, और नंबर चार कंपेनियन सेल्स। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फाइबर और कंपेनियन सेल्स। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एलिमेंट ऑफ फ्लोएम, और तीन दिए होंगे जाइलम के और एक इसका टिक मारने के लिए दिया हो सकता है क्वेश्चन में। कुछ एमसीक्यूज, अगर लाइट की प्रेजेंस है और
वाटर भी है, फिर भी अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो इनमें से किसकी कमी होगी उस वक्त? आप जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ऑप्शन होता तो हम उसको भी टिक करते, और वो ऑप्शन नहीं है तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा राइट आंसर। मोर एंड मोर वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी किस तरह से पुल किया जाता है जाइलम के द्वारा, कब पुल किया जाता है? जब जब सेल सैप, जो सेल का जो लिक्विड है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसमें पानी की कमी हो जाती है। तो जब अंदर प्लांट के अंदर पानी की कमी होगी तो बाहर से ऑब्वियसली पानी अंदर को जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हेन द सेल सैप बिकम्स कंसंट्रेटेड आफ्टर वाटर लॉस। वाटर के लॉस के बाद मोर एंड मोर वाटर इज पुल्ड, ज्यादा से ज्यादा पानी को पुल किया जाता है साइलम के थ्रू। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स टू पुल वाटर अप साइलम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो पानी को पुल करती है साइलम में लीफ की तरफ, उस फोर्स का नाम क्या है? उस फोर्स का नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से बीच में गैप बन जाती है, उसको फिल करने के लिए जल्दी जल्दी पानी उस प्रेशर को बढ़ता है, क्योंकि वहां पे वो प्रेशर ग्रेडियंट रख देता है। अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे इस वक्त, अगर आप ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, बट इतना याद रखिए कि जो ट्रांसपिरेशनल पुल है, ट्रांसपिरेशन बोलते हैं जो पत्तों से पानी लॉस हो जाता है ना, उसको बोलते हैं। जब वहां से जितना ज्यादा पानी लॉस होगा उतना ज्यादा पानी जाइलम जड़ों से खींचता है और ऊपर लीव्स तक पहुंचाता है। इनमें से कौन से प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, ग्रो करते हैं प्लांट्स उनमें, या जो एक्वेटिक सबमर्ज है उनमें, या जो प्लांट्स हैं डेजर्ट में रहते हैं, डेजर्ट में उगते हैं उनमें, या फिर जो प्लांट्स हैं फ्लोटिंग लीव्स वाले? यहाँ पे सोचने वाली बात है, ट्रांसपिरेशन तो सब में होनी चाहिए, बट जो सबमर्ज है ना उनमें पानी का प्रेशर अंदर भी उतना है बाहर भी उतना है, तो पानी बाहर आ नहीं पाता है, मतलब जरूरत नहीं पड़ती उसको ट्रांसपायर करने की, इसलिए एक्वेटिक सबमर्ज जो प्लांट है उनमें ट्रांसपिरेशन नहीं होती है, बाकी सब में होती है, चाहे थोड़ी थोड़ी हो लेकिन होती जरूर है। डेजर्ट प्लांट्स में भी ट्रांसपिरेशन होती है। फिर जो हायर प्लांट्स है उनमें फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन किस तरह होती है, पैकेट्स के थ्रू, ट्रांसफ्यूजन ट्यूब्स के थ्रू, कंपेनियन सेल के थ्रू, या सीव एलिमेंट्स? देखिए ट्रैकिड्स तो जाइलम का एलिमेंट है, इसमें तो फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकती क्योंकि इनमें तो वाटर की होनी चाहिए। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ये भी फ्लोएम का पार्ट नहीं है, तो कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब दो ऑप्शन बचते हैं हम जिनमें से हम देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है सीव ट्यूब्स। अब क्वेश्चन था कि हायर प्लांट्स में मटेरियल की जो मूवमेंट है वो किस तरह होती है, पर अब इसी के साथ एक सवाल और उठता है कि लोअर प्लांट्स में किस तरह होती है? जो लोअर प्लांट्स होते हैं जैसे जिम्नोस्पर्म वगैरह, उनमें ट्रांसफ्यूजन ट्यूब्स के थ्रू फूड मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन होती है। धन्यवाद।